पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 68 के बाद से जो भी मेंस एग्जामिनेशन होंगी उनके जो जनरल स्टडी पेपर वन, पेपर टू और एसे के जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन देकर बता दिया गया है कि इस तरह से वो क्वेश्चन रीअरेंज उन्होंने कर दिया है। क्योंकि चेयरमैन सर ने कुछ दिन पहले ही 12 फरवरी को ही ये बातें बताई थी कि हम क्वेश्चन को इस बार रीअरेंज करेंगे जनरल स्टडी में भी, जिस तरह के 67th ऑप्शनल पेपर्स में किए गए थे रीअरेंज। तो हम लोग इसी को डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। उससे पहले एक ट्वीट देख लेते हैं सर का, जो कि 68 कट ऑफ को लेकर इन्होंने दिया है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 50% जो स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जनरल कैंडिडेट का 113 कट ऑफ था 67th में, तो या तो 114, 115 या 116 के बीच में ही 50% जो कैंडिडेट थे वो लाई कर रहे थे, वहीं पर थे। ये कहने का तात्पर्य है कि जो कट ऑफ होता है उससे 2-3 मार्क्स ही ज्यादा होते हैं अदर कैंडिडेट्स के, मैक्सिमम कैंडिडेट्स उसी 2-3 मार्क्स में आ जाते हैं। इसलिए जिस भी कैंडिडेट ने 68 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दे दिया है वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कट ऑफ के बारे में, आगे की तैयारी हम मेंस पर फोकस करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना कि रीअरेंज कैसे किया गया है। पहले भी जो जनरल स्टडी पेपर वन के और पेपर टू के जो सेक्शन होते थे वो 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो है ये हिस्ट्री एंड कल्चर और आर्ट से रहते थे क्वेश्चन, सेक्शन 2 जो है करेंट अफेयर का है और सेक्शन 3 जो है जनरल स्टडी पेपर 1 का वो एस्थेटिक्स का है। इसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, केवल जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है कि कैसे क्वेश्चन हम पूछेंगे उसमें चेंज किया गया है। तो इस तरह का है, देखिए टोटल मार्क्स 300 के हैं, सेक्शन 1 जो है 38x3 तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 114 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है। उसी तरह से सेक्शन 2 भी जो है वो 114 मार्क्स का होगा और सेक्शन 3 जो है वो 72 मार्क्स के होंगे। इस तरह से टोटल अपने 300 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर चेंज क्या किया गया है और ये सबसे मेजर चेंज है क्वेश्चन नंबर 1। तीन क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इसमें समझना यह है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। हमारे सिलेबस में मेंस ने केवल ये पॉइंट लिखा है सेक्शन 1 में कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, और इंडियन कल्चर में इंक्लूडिंग इंडियन आर्ट है जिसमें कि मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट आंसर रहेगा, अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है कि ए बी सी तीन क्वेश्चंस दे दे और तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि यहां पर शॉर्ट आंसर लिखना है। जैसे कि ऑप्शनल पेपर में इस बार हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंपलसरी कर दिया गया था जिसमें कि 5 क्वेश्चंस थे 10-10 नंबर के, उसी तरह से यहां पर हो सकते हैं 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, अर्थात कि यहां पर शॉर्ट आंसर लिखना है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 में ऑप्शंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है क्योंकि यहां पर और है, सिलेबस वही है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 का भी पैटर्न वही है, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, या तो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें या और का अटेम्प्ट करें। सेक्शन 2 जो होता है वो अपना करेंट अफेयर का होता है, करेंट अफेयर के सिलेबस में ये लिखा रहता है कि करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेम जो सेक्शन 1 का फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 4 में भी रहेगा यही कि शॉर्ट आंसर लिखना है, अर्थात कि यहां पर एक से ज्यादा वो ए बी सी करके क्वेश्चंस दे दें, उन्हें अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से कि एक क्वेश्चंस करने हैं करंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट है उसके, जो पहले क्वेश्चंस आते थे जिस पैटर्न पर उसी पैटर्न पर इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस ये रीअरेंजिंग कर दिया गया है क्वेश्चंस नंबरिंग को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहां पर भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना है। पहले क्या होता था कि करंट अफेयर में, यहां तो करंट अफेयर में 5 क्वेश्चंस दिए जाते थे लगभग, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, इस बार भी यहां पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन क्या है कि सेक्शन 1 जो था यहां पर कई बार 6 क्वेश्चंस दिए जाते थे और उसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल ये चेंज फॉर्मेट दिख रहा, क्वेश्चन नंबर 3 ही रहेंगे सेक्शन 1 में, 1, 2, 3, और 1, 2, 3 में चॉइस हो सकता है, जैसे यहां पर भी चॉइस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में चॉइस होंगे, ये यहां पर बताया गया है। उसी तरह से सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो शॉर्ट आंसर है और जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है सेम जैसे पहले होते थे तरह के रहेंगे। सेक्शन 3 जो है ये स्टेटिस्टिक्स का होता था, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया, सिलेबस में हमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम सिलेबस में लिखा रहता था वही लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहां से एक क्वेश्चन हमें चूज करते हुए अटेम्प्ट करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से जनरल स्टडी पेपर 1 में 8 क्वेश्चन बने और कहां कहां है ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये रीअरेंज है क्वेश्चन फॉर्मेट का। सेम जो अपना फॉर्मेट है पेपर 2 के लिए जनरल स्टडी पेपर 2 का, ये भी 300 मार्क्स का होता है, ये भी 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है वो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस होता है, यहां पर भी 38x3 यानी कि 114 मार्क्स का सेक्शन 1 होगा, हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स के होंगे। सेम जैसे कि पहले पेपर में किया गया है कि शॉर्ट आंसर होगा पहला क्वेश्चन, होल सिलेबस रहेगा, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी फ्रॉम होल सिलेबस ही समझिए इंडियन पॉलिटी से, और वाला भी जो होगा वो इंडियन पॉलिटी का ही होगा, वो भी होल सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या होगा कि चॉइस होगा,
नेक्स्ट सेक्शन टू जो होता है पेपर टू का, ये होता है इकोनॉमिक जियोग्राफी का। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में भी सेम जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो शॉर्ट टाइप के होंगे और होल सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस में यही लिखा रहता है इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स जो है वो हमें और में रहेंगे, दो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। सेम क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये फॉर्मेट रहेगा। सेक्शन थ्री जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चंस होता है वो रहता है। सिलेबस में यही लिखा रहता है कि रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ये कंपलसरी, यानी कि इसको अटेम्प्ट करना ही है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा कवरिंग होल सिलेबस। यहां पर हो सकता है कि एबीसी तीन क्वेश्चंस दे दें, और क्वेश्चन नंबर एट जो है इसमें और रहेगा, दो क्वेश्चंस दिया रहेगा, एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन टू जो है ये हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स के होंगे, अर्थात कि सेक्शन टू थ्री जो है वो टोटल 72 मार्क्स के होते हैं। ये हमने देख लिए जनरल स्टडी के पेपर्स। अब हम लोग देखते हैं एसे का फॉर्मेट। एसे का फॉर्मेट पहले ही बताया जा चुका है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एसे के जो टॉपिक्स होते हैं जनरल, उसी तरह से सेक्शन वन, सेक्शन टू और सेक्शन थ्री यहां पर भी रहेंगे। हर एक सेक्शन 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन वन और सेक्शन टू जो है ये जो जनरल एसे होते हैं वो इंडिया लेवल के हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो रहेंगे। लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक जो है सेक्शन थ्री में कहा गया है कि ये बिहार स्पेसिफिक टॉपिक रहेंगे, जो कि द क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इट विल बी ट्रांसलेटेड इन रोमन स्क्रिप्ट। जैसे कोई चीज यहां पर ये कहने का मतलब हुआ कि देवनागरी लिपि में या देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है कि ये वाली कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ओके, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये हमने हिंदी में बोला, तो इसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखेंगे ऐसे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे कि मेरे देश की धरती, तब इस तरह से कुछ ट्रांसलेशन होता है इसका कि इन माय कंट्री क्रॉप्स ग्रोन लाइक गोल्ड डायमंड पर्ल्स, ये इसका ट्रांसलेशन होता है। तो जो इंग्लिश समझने वाले हैं उनको समझ में आएगा, लेकिन इसको हमें ट्रांसलेशन करके नहीं दिया जाएगा कि इन माय कंट्री क्रॉप ग्रोस ग्रोन लाइक गोल्ड डायमंड पर्ल्स, इस तरह से ट्रांसलेट करके नहीं दिया जाएगा। रोमन स्क्रिप्ट में इसी चीज को जैसे ये लिखा मेरे देश की धरती इस तरह से लिखा, तो इसको रोमन स्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। यही कहा जा रहा कि यहां पर जो स्क्रिप्ट होगा वो देवनागरी जो कि हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश में लिखेंगे रोमन स्क्रिप्ट में, लेकिन बात वही रहेगी। मतलब कि नहीं है कि वो थ्री इडियट्स में कि बोल वो रहे हैं लेकिन जुबान जो है लिखे तो हमारे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं। तो बस आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह